कलेरा क्षेत्र से है जहां अवैध शराब का अवैध कारोबार जमकर चल रहा है। यूपी से एमपी के गांव-गांव बिक रही धड़ल्ले से अवैध शराब, यहां कच्ची शराब का भी होता है अवैध कारोबार। आपको बता दें कि पलेरा नगर से लेकर पलेरा क्षेत्र के गांव-गांव में अवैध शराब का कारोबार लंबे पैमाने से चल रहा है, जहां कई गांव में कच्ची शराब का कारोबार किया जाता है, तो वहीं यूपी के सप्लायर एमपी में शराब का अवैध कारोबार गांव-गांव से करवा रहे हैं। जहां प्रदेश की सरकारें नशा मुक्ति शराब मुक्त प्रदेश बनाने की बातें करती हैं, तो वहीं पलेरा थाना अंतर्गत देखा जाए तो अवैध शराब का कारोबार लंबे पैमाने पर चल रहा है। कच्ची शराब का कारोबार लिथौरा टोरी, सेपुरा, बुदौर, रामनगर, निरावरी, अतरार, तमाम ऐसे गांव में कच्ची शराब और यूपी की शराब का अवैध रूप से कारोबार गांव-गांव में किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बच्चे थी हमारे अंधा, हम लोग भी अति अंधा, एकदम से आए देखो उनको मानने लग गए। कह रहे तुम्हारे यहाँ दारू बिकती कही नहीं, सुन लो हमने खुद बोला कि नहीं मैडम आप पहले बात सुन लो, इससे हमने हमारे मकान की छानी भी ले लो आप, अगर कुछ भी मिल जाए तो फिर हमारे बच्चन को खूब मानना, तुम हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बोली नहीं, उनने दो चार माइया टाइम बताए चढ़कर उनने देखो और बस इसके बाद उतरी तो इनके पापा आ गए, जब तक बाहर संचारी को बोझे पटकू उनने और आग भीतर, तो बस हमने क्योंकि हम अलग हैं और भी अलग हैं, उनके मकान में जा सकती हैं आप, हमारे में नहीं जा सकती हैं। तो बोली नहीं क्यों नहीं जा सकती हैं? तो मैडम दौड़े तो उनने मारो और भी पाठक घुसिया, जब तक तो कमल पाठक ने खूब ही मारो, जीवन सिंह खा इतना मारो कि कोई कसर नहीं था, वो भी मरने की संभावना नहीं उनकी। कितने लोगों को मारा आपके परिवार में? हमारे परिवार को नेहा का मारा, रज्जू का मारा और उनकी मम्मी का मारा और हमें भी धक्का मुक्की, हमें भी भाई बचा भी खिलाने गए। कितने लोग आए थे मानने के पुलिस वाले? अब पुलिस वालों की तो हमने चार लोग अंधा रहते और दो महिला थी अंदर और बाहर से हमने देखी नहीं है ना, हम बाहर हम गए नहीं। पुलिस वालों में से कितने का नाम जानती हैं? हम जिनका कमल पाठक को जानते हैं, महिलाओं के साथ भी मारपीट की है? हाँ महिलाओं को तो मारा। कितने बजे की घटना है? कोई आपको साढ़े चार बजे हो या चार या पाँच के बीच की बात है, जिसकी शिकायत थाना पलेरा में आए दिन की जाती है। लेकिन अवैध शराब पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गई है। मुखबिर की सूचना पर विगत दिन छिदारा गांव में पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार कर रहे जाहर सिंह ठाकुर ने 40,000 क्वार्टर जब्त कर अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधी ने परिजनों से झूमा झुपटी हो गई और आरोपी फरार हो गया। तो वहीं पलेरा थाने के 40 क्वार्टर का जाहर सिंह ठाकुर के खिलाफ अवैध शराब का मामला दर्ज किया गया और आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। तो वहीं जाहर सिंह ठाकुर के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। इसका कहना है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा 40 क्वार्टर पकड़े गए थे, जिसका जाहर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आगे भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। कल ग्राम छिदारा में अवैध शराब बिक्री की सूचना काफी दिनों से आ रही थी, उसमें पुलिस पार्टी गई थी, उसमें हमारे सब इंस्पेक्टर पाठक, सब इंस्पेक्टर पुरारी, एएसआई, महिला कांस्टेबल वगैरह सभी गए थे। अक्सर यही होता था कि पहले जब सभी इंजेक्ट करने जाते थे महिलाएं आगे आ जाती थी और विरोध करती थी कार्रवाई, इस कारण से कल टीम भेजी थी वहां से और जयन सिंह ठाकुर करके एक व्यक्ति है वहां से छिदारा गांव का, उससे अवैध शराब जब्त की गई थी, उसी कारण के उसके द्वारा और उसके परिवार वालों के द्वारा विरोध किया गया और पुलिस मतलब शराब जब्त करने की जो कार्रवाई है आबकारी कार्रवाई उसके बिना जब्ती में उसको भी चोट आई, उसको उसने वो पुलिस को दबाव बनाने के लिए टूल बना रहे हैं, शिकायत करने अभी वो सब ये पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए सब कार्रवाई की है कि ताकि पुलिस हमें छेड़छाड़ न करे और हमारे आगे एक भतीजा है वो भी 302 में गिरफ्तार हुआ है देवी चौक में, देवी कराई के ऊपर उसने फायरिंग की थी, एक आदमी की मृत्यु हुई।